गंगा माता प्रयाग जी सभी तीर्थों के राजा और ये ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है। गंगा माता प्रयाग राजा और ये सभी तीर्थों के गुरु कहलाते हैं। अपन कहते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो, इधर में पुष्कर जी का कोई मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति भी नहीं है, इसी जल सरोवर का नाम पुष्करा सरोवर है। और अपने हिंदू धर्म में तीन देवता बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। शिव का धाम है काशी, विष्णु जी का है गया बिहार में। ये पुष्करराज है, ये ब्रह्मा जी का धाम है और विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं तो उनके नाभि में से कमल का पुष्प प्रकट होता है। वह कमल का पुष्प विष्णु भगवान बोलते हैं। आप इस कमल के पुष्प को जहाँ संसार में गिराएंगे वहाँ पे आपका धाम हो जाएगा। तो ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी ने पुष्प गिराया तो ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाते हुए यहाँ पे आके गिरा और सात पाताल छेदन होके जल प्रकट हुआ। उसी समय से इसका नाम पुष्कर राज सरोवर पड़ा और इस नगर का नाम पुष्कर पड़ा। ये हैं जगत पिता ब्रह्मा जी, ये उनका पत्नी है वेद माता सावित्री माता। और ये जो सरोवर के बीच में लाल कलर का छोटा सा जो मंदिर देख रहे हैं आप लोग, ये है ब्रह्मा जी का यज्ञ स्थल, जो कि हजारों वर्ष पहले कार्तिक मास में 11 से लेके पूर्णिमा का बड़ा शुभ मुहूर्त आता है यज्ञ और हवन करने का। और बिना धर्मपत्नी के यज्ञ हवन होता नहीं। तो ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बुलाते हैं कि जल्दी से जाओ, माता को बुला के लाओ, यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जाए। नारद जी रास्ते में चलते हैं तो उनके मन में विचार आया कि मैंने समस्त संसार भर में लड़ाई झगड़ा कराने का कार्य किया है, अगर अपने माता पिता में लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा तो मृत्यु लोक में नारद नारद कौन कहेगा। यह विचार करके माता जी के पास पहुँचते हैं और उनको बोलते हैं कि आप 16 श्रृंगार करके आओ, गाजे बाजे के साथ आओ, संग सखियों के साथ आओ। पिताजी ने आराम से आने को बोला, उनको झूठ बोल दिया जाता है लड़ाने के लिए। और इधर यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, चला जा रहा था। तो ब्रह्मा जी लेट होते हैं, अपने द्वारपाल इंद्र भगवान को बुलाते हैं कि जल्दी से जाओ, कोई कंवारी कन्या मिले उसको जल्दी से लेके आइए। तो यहाँ से 11 किलोमीटर दूर नंदा सरस्वती नाम का गांव है, वहाँ पे गुजर जाती कन्या जा रही होती, दही दूध छाछ बेचने वाली होती। उस गुजर की कन्या को रथ के द्वारा ब्रह्मा जी के पास उपस्थित किया जाता है और कामधेनु गाय के द्वारा उस कन्या का शुद्धिकरण किया जाता है। उस कन्या को चारा बना करके गाय के मुख में डालते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू किया जाता है। कुछ समय बाद में उसका शुद्धिकरण हो जाता है तो गाय की दर से उस कन्या का निकास होता है। उस निकास होने के बाद उस कन्या का नाम पड़ जाता है गायत्री जी। गायत्री जी और ब्रह्मा जी विवाह कर लेते हैं, यज्ञ का समापन करते हैं। ये है ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी गायत्री जी। स्वा स्वा का आहुति देते हैं तो पहले पत्नी जी सावित्री माता जी के कानों में आवाज़ सुनाई देता है यज्ञ का आहुति का, तो वे दौड़ के आती है ब्रह्मा जी पे क्रोधित होते हैं, उनको श्राप देती है कि हे ब्रह्मदेव, आपने अपनी धर्म पत्नी के होते हुए इस पराई स्त्री से विवाह किया है, ये रग रचाया जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ, पूरे संसार भर में आपका एक ही मंदिर होगा, वह भी अपूजनीय रहेगा। उसी श्राप के कारण ब्रह्मा मंदिर में दान दक्षिणा फूल प्रसाद अगरबत्ती कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है और जो भी बाल बच्चे वाला गृहस्थी वाला आएगा वो इसी जल सरोवर का मनोकामना मांगेगा और इसी जल को ब्रह्म सरोवर के नाम से पूजा जाएगा। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वहाँ साधु संन्यासी जाते हैं, वो उनका पूजा अर्चना करते हैं और जो बाल बच्चे वाला गृहस्थी वाला आएगा वो इसी जल सरोवर का मनोकामना मांगेगा और इसी जल को ब्रह्म सरोवर के नाम से पूजा जाता है। यात्री लोग यहाँ तीन काम से आते हैं। पहला कार राजी खुशी घूमने आते हैं, जिससे आप लोग आए हैं। यहाँ पर संस्था का दुकान है जहाँ से 20 रुपये का फूल प्रसाद का थाली मिलता है, जो अपने घर का सुख शांति का मनोकामना बोल के घर में चढ़ाया जाता है। दूसरा कार्य यह होता है किसी घर में कोई गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसका अस्थि विसर्जन किया जाता है जिसका घाट सामने बना हुआ है। तीसरा कार्य यहाँ पर सात कुल का पिंडदान किया जाता है, गया में माता जी का होता है, प्रयागराज में पिताजी का। इधर 60 पीढ़ी का पिंडदान करने का लेख है। श्री राजा रामचंद्र जी ने अपने पिताजी दशरथ जी का इधर में बालू मिट्टी शेष श्राद्ध पिंडदान व समस्त कर्म करके गए थे, सतयुग में आए थे जब। और चार धाम की यात्रा जाके आ जाओ आप लोग, और आप लोग इधर नहीं आएंगे तो आपका यात्रा अधूरा कहलाई जाएगा, क्योंकि गंगा जावे गोमती जावे सारा तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे नर मुक्ति नहीं।
और जो अपने पूर्वज होते हैं, जो गुजरे हुए रहते हैं, वो आस करते हैं कि मेरा बेटा पोता पुष्कर तीर्थ में जाएगा और मेरे को जल तर्पण करेगा, जल दान देगा, वो आप लोगों की सर्व मनोकामना पूरी करते हैं। ये सरोवर के चारों तरफ 52 राजे महाराजाओं के 52 घाट हैं, 1000 इधर में छोटे बड़े मंदिर हैं। मेन जो है ये जल सरोवर है, आए हो तो फूल प्रसाद का थाली चढ़ाओ, मनोकामना मांगो और जो भी दान दक्षिणा देना होता है, ये 1000 मंदिर का इधर एक ही जगह बनाओ। भगवान ने जैसे आप लोगों का घर बनाया है वैसे भगवान ठाकुर जी के भोग लगाया जाता है, उधर से आपको फोटो प्रसाद जसीन मिलता है, उम्र भर अपने घर परिवार वालों का नाम चलता है। ये है इधर आने का जानकारी। बोलो पुष्कर जी महाराज की जय हो।